वाराणसी के बाद आज अयोध्या में लगेगा बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों का जमावड़ा। 11 सीएम और 3 डिप्टी सीएम करेंगे रामलला के दर्शन। सुबह 11 बजे अयोध्या पहुंचेंगे सभी मुख्यमंत्री। दोपहर 2 बजे हनुमानगढ़ी में करेंगे दर्शन, उसके बाद रामलला जाएंगे। अयोध्या में दर्शन करने वालों में एमपी, उत्तराखंड, हरियाणा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और गोवा के सीएम शामिल होंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहेंगे। असम, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर और त्रिपुरा के सीएम भी करेंगे रामलला के दर्शन। बिहार के दोनों डिप्टी सीएम भी होंगे मौजूद। अयोध्या में बीजेपी शासित राज्यों के सीएम के स्वागत में लगाए गए पोस्टर, आज सुबह 11 बजे पहुंचने वाले हैं सभी मुख्यमंत्री। लखनऊ में आज यूपी नंबर 1 अभियान की शुरुआत करेंगे सीएम योगी। संकल्प पत्र के लिए लोगों से सुझाव मांगेंगे। यूपी नंबर 1 अभियान कार्यक्रम में यूपी के दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहेंगे। बीजेपी मैनिफेस्टो कमेटी के सदस्य भी होंगे। लखनऊ में आज ग्राम पंचायत सम्मेलन में शामिल होंगे सीएम योगी। प्रदेश के सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिवालय का करेंगे शुभारंभ। आज से यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र होगा शुरू। सिर्फ 3 दिन चलेगा सत्र। यूपी विधानसभा में गुरुवार को पेश होगा दूसरा अनुपूरक बजट। 2022-23 के लिए लेखानुदान भी होगा पेश। यूपी विधानसभा शीतकालीन सत्र के हंगामेदार होने के आसार। लखीमपुर खीरी समेत कई मुद्दों को लेकर हंगामा कर सकता है विपक्ष। अखिलेश यादव के जौनपुर दौरे का आज दूसरा दिन 4 जगहों पर जनसभा करेंगे। अखिलेश यादव ने जौनपुर में की समाजवादी विजय रथ यात्रा। युवाओं को नौकरी देने को लेकर यूपी की योगी सरकार पर सवाल उठाया। अखिलेश ने युवाओं में भरा जोश, बेरोजगारों को दिखाए सपने, कहा सरकार बनते ही नौकरियां देंगे। जौनपुर में अखिलेश यादव का निशाना, कहा कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर तैयार होना अच्छी बात है पर जब दवा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी बीजेपी अनाथ ने किया। पीएम मोदी पर दिए विवादित बयान पर अखिलेश यादव ने सफाई दी, कहा मेरा मतलब बीजेपी सरकार के अंत से था। अखिलेश ने कहा कि मेरे बयान का कोई और मतलब निकाला नहीं गया, मैंने प्रधानमंत्री को कभी बद्दुआ नहीं दी। वाराणसी से पीएम मोदी ने दिया विकास का बड़ा संदेश, कहा काशी ने दिखाया इच्छा शक्ति हो तो कुछ भी हो सकता है। पीएम मोदी ने कहा कि काशी की ऊर्जा अक्षुण है, हमेशा नया विस्तार लेती है। पीएम ने काशी के विकास मॉडल को भी सबके सामने रखा, बोले 2014-15 की तुलना में 2020 में पर्यटकों की तादाद दोगुनी हुई। वाराणसी के सर्ववेद मंदिर का पीएम ने दौरा किया, सदगुरु सदाफल देव की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। काशी में पीएम ने बीजेपी को दिया चुनाव में जीत का मंत्र, विकास युक्त भ्रष्टाचार मुक्त नीति पर काम करें। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष ए के शर्मा का विपक्ष पर हमला, जौनपुर में कहा कि बीजेपी से पहले की सरकारों ने जनता का नहीं सिर्फ अपना विकास किया। ए के शर्मा ने कहा विपक्ष ने शासन के नाम पर लोगों की जातियों में बांटने का काम किया, बीजेपी सबका साथ सबका विकास पर काम करती है। दिल्ली में सोनिया गांधी के आवास पर हुई विपक्षी नेताओं की बैठक, आगे की रणनीति पर चर्चा। सोनिया गांधी की बैठक में एनसीपी, शिवसेना और डीएमके समेत 5 विपक्षी दल के नेता शामिल हुए, टीएमसी को नहीं मिला था निमंत्रण। मीटिंग के बाद बोले फारूक अब्दुल्ला, कहा कि देश को मुश्किल घड़ी से निकालने पर चर्चा की गई। बैठक के बाद बोले संजय राउत, विपक्ष को एकजुट करना मुख्य एजेंडा, आगे भी बैठक होती रहेगी। संसद भवन में आज फिर होगी विपक्षी नेताओं की बैठक, राज्यसभा सांसदों के निलंबन के मामले में आगे की रणनीति पर चर्चा की। राहुल के नेतृत्व में निलंबित सांसदों के समर्थन में विपक्ष की मोर्चाबंदी, कल गांधी प्रतिमा से विजय चौक तक निकाला था मार्च। राहुल गांधी का आरोप, विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है, पूछा सदन में नहीं आते पीएम मोदी। विपक्ष के प्रदर्शन पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का बयान, बोले हमारी कोशिश निलंबित सदस्य माफी मांगे और सदन में वापस आए। संसद में आज लखीमपुर कांड पर एसआईटी रिपोर्ट का मुद्दा उठाएगा विपक्ष, गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे की मांग। लखीमपुर कांड में एसआईटी ने किसानों को गाड़ी से कुचलने की हत्या को सोची समझी साजिश बताया, आशीष मिश्रा समेत 14 पर धाराएं बदली गईं। लखीमपुर खीरी कांड पर अखिलेश यादव का हमला, जांच में मंत्री और उनके बेटे की साजिश साबित हुई तो अब गृह राज्य मंत्री इस्तीफा दें। लखीमपुर कांड को लेकर राहुल गांधी का ट्वीट, लिखा धर्म की राजनीति करते हो, अब राजनीति का धर्म निभाओ। राहुल गांधी का पीएम पर निशाना, कहा कि मोदी जी सिर्फ फिर से माफी मांगने का टाइम आ गया है। प्रियंका गांधी ने गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे की मांग की, पीएम से मंत्री के रोल की जांच करवाने की भी मांग की। असदुद्दीन ओवैसी का पीएम मोदी पर हमला, बोले कि गृह राज्य मंत्री टेनी अगड़ी जाति से हैं, चुनाव में वोट चाहिए इसलिए उन्हें हटा नहीं जा रहा। हरसिमरत कौर की लखीमपुर खीरी पर कड़ी प्रतिक्रिया, कहा सिर्फ गृह राज्य मंत्री नहीं बल्कि पूरी बीजेपी कटघरे में खड़ी है। लोकसभा में आज महंगाई का मुद्दा उठाएगा अधीर रंजन चौधरी और स्वागत राय ने नियम 193 के तहत चर्चा की मांग की है। गोवा में ममता ने मोदी का नाम लिए बगैर कहा चुनाव आते ही गंगा में लगाते हैं डुबकी और उत्तराखंड में मंदिर में बैठ जाते हैं। गोवा में सीएम ममता बनर्जी ने रैली की, बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। ममता ने कहा कोई मुझसे पूछे कि तुम हिंदू हो या मुस्लिम, मैं कहूंगी मैं सबसे पहले इंसान हूं। ममता का बीजेपी पर पलटवार, कहा कि नहीं चाहिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट, मैं खुद एक ब्राह्मण परिवार से हूं। मुंबई में 28 दिसंबर को नहीं होगी राहुल गांधी की रैली, ओमिक्रॉन के खतरे की वजह से कांग्रेस ने रैली को टाल दिया। आज चुनाव आयोग की टीम चंडीगढ़ जाएगी, 2 दिन तक चुनाव की तैयारियों की समीक्षा होगी। पंजाब कांग्रेस कैंपेन कमेटी की बैठक, आज सीएम चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू शामिल होंगे। पंजाब कांग्रेस को झटका, पूर्व कांग्रेस सांसद अमरिक सिंह समेत 4 पूर्व विधायक कैप्टन की पार्टी में शामिल हुए। अकाली दल ने पार्टी के 100 साल पूरा होने पर की रैली, सुखबीर बादल बोले कांग्रेस बीजेपी और आप किसान विरोधी पार्टी। सुखबीर सिंह बादल ने किया प्रति एकड़ 50,000 के फसल बीमा का ऐलान, कहा कि पेंशन फिर से शुरू करेंगे। हरसिमरत कौर का केजरीवाल पर हमला, कहा उनके लिए राजनीति एक धंधा है। हरसिमरत कौर ने सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को ड्रामा मंत्री बताया। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी का ऐलान, नगर निगम के कॉन्ट्रैक्ट पर रखे सफाई कर्मचारी किए जाएंगे परमानेंट। सीएम चन्नी ने कहा कि पंजाबियों को सबसे पहले नौकरी दी जाएगी।
आज दो दिन के पंजाब दौरे पर जाएंगे केजरीवाल, जालंधर में तिरंगा यात्रा में होंगे शामिल। गुरुवार को प्रकाश सिंह बादल के गढ़ लंबी जाएंगे सीएम केजरीवाल। उत्तराखंड में केजरीवाल का वादा, हमारी सरकार बनी तो युवाओं को देंगे रोजगार, बेरोजगारी भत्ता देने का वादा भी किया। केजरीवाल ने कहा कि मैं नेता नहीं हूं, राजनीति नहीं आती है, सिर्फ काम करना जानता हूं। कर्नाटक विधान परिषद की 25 सीटों में से 12 पर बीजेपी का कब्जा, कांग्रेस ने 11 सीटों पर जीत हासिल की। चुनाव में सबसे बड़ा झटका जेडीएस को लगा, 25 में से सिर्फ एक सीट आई देवेगौड़ा के पोते। एचडी कुमारस्वामी का बड़ा आरोप, जेडीएस को खत्म करने के लिए कांग्रेस और बीजेपी की मिली भगत है। आज दोपहर 1 बजे मोदी कैबिनेट की बैठक होगी, आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी की भी आज होगी बैठक। पीएम मोदी 16 दिसंबर को किसानों को करेंगे संबोधित, नेचुरल खेती पर रहेगा जोर। बजट तैयारियों में जुटी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन, आज कृषि और एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के विशेषज्ञों से बात करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज 3 दिन के बांग्लादेश दौरे पर जा रहे हैं, बांग्लादेश के 50वें विजय दिवस समारोह में शामिल होंगे। राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को दिलाई उसकी हार की याद, कहा कि 1971 के युद्ध में भारत की जीत विश्व इतिहास की सबसे बड़ी जीत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा पाकिस्तान के खिलाफ आतंकवाद की भी जीतेंगे जंग। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने परमवीर चक्र विजेता शहीद कर्नल होशियार सिंह की पत्नी के पैर छुए, 71 के युद्ध के हीरो रहे कर्नल होशियार सिंह। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, एक आतंकी मारा गया। पुंछ में सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में एक पाकिस्तानी आतंकी ढेर हुआ, सेना के जवानों ने पूरे इलाके को घेरा, सर्च ऑपरेशन जारी है, चप्पे चप्पे की तलाश की जा रही। आतंकी हमले में शहीद हुए एएसआई गुलाम हसन को रामबन में उनके पैतृक स्थान पर दी गई श्रद्धांजलि। शहीद कांस्टेबल रमीज अहमद का गांधरबल में हुआ अंतिम संस्कार, आखिरी दर्शन के लिए उमड़े लोग। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह और लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे ने की घायल जवानों से मुलाकात। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का फारूक अब्दुल्ला पर हमला, कहा हमने उन्हें पाकिस्तान इतना पसंद है तो वहीं जाकर बस जाए। फारूक अब्दुल्ला का प्रहलाद जोशी पर पलटवार, कहा कि प्रहलाद जोशी को वहां जाना चाहिए। संघ प्रमुख मोहन भागवत आज चित्रकूट में एकता महाकुंभ में हिस्सा लेंगे। दिल्ली का गाजीपुर बॉर्डर आज पूरी तरह से खाली होगा, राकेश टिकैत आज अपने यहां से निकले जाएंगे। संसद में सीबीआई और ईडी निदेशक का कार्यकाल 5 साल तक करने से जुड़ा बिल पारित हुआ। सीबीआई ने नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे के चीफ इंजीनियर रंजीत कुमार बोरा को गिरफ्तार किया, 15 लाख की रिश्वत का आरोप। 12वीं के अकाउंटेंसी टर्म 1 की परीक्षा में नहीं दिए जाएंगे ग्रेस मार्क्स, वायरल मैसेज को सीबीएसई ने बताया निराधार। दिल्ली में नर्सरी के एडमिशन आज से शुरू हुए, एप्लीकेशन विंडो 7 जनवरी को बंद होंगी। शिवसेना सांसदों ने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की, संजय राउत पर दर्ज एफआईआर वापस करने की मांग की। देश में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित लोगों की संख्या अब 61 तक पहुंची, महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 8 नए केस सामने आए हैं। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 8 मरीजों में से 7 मरीज मुंबई में हैं, राज्य में ओमिक्रॉन के मरीजों की तादाद 28 हो चुकी है। गुजरात में ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या हुई 4, दक्षिण अफ्रीका से सूरत लौटा 42 साल का शख्स पॉजिटिव पाया गया। दिल्ली में ओमिक्रॉन के 4 नए मामले आए, कुल केस अब 6 हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि 6 मरीजों में 1 ठीक होकर घर लौटा है, बाकी सभी लोगों की हालत स्थिर है। विदेश से नोएडा पहुंचे 5 लोग पाए गए कोरोना पॉजिटिव, जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया सैंपल। ओमिक्रॉन को लेकर सख्त हुई सरकार, 20 दिसंबर से दिल्ली मुंबई समेत 6 एयरपोर्ट पर एट रिस्क देशों से आने वाले लोगों को आरटीपीसीआर टेस्ट की प्री बुकिंग करानी होगी। कोरोना के खिलाफ फाइजर लाने जा रही है एक टैबलेट, फाइजर का दावा गोली खाने से मौत की आशंका को किया जा सकता है 89% कम। फाइजर का दावा कि कोरोना की गोली ओमिक्रॉन वेरिएंट पर भी असरदार। चीन में ओमिक्रॉन वेरिएंट का दूसरा मामला रिपोर्ट हुआ, 67 का एक शख्स पाया गया पॉजिटिव। ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री ने ओमिक्रॉन को देखते हुए पाबंदी बढ़ाने पर जोर दिया, बूस्टर वैक्सीन की बढ़ाई रफ्तार। लंदन में वैक्सीन सेंटर्स के बाहर लोगों की भीड़, ओमिक्रॉन के मद्देनजर बूस्टर डोज लेने के लिए लोग उमड़े। अमेरिका में कोरोना से मौत का आंकड़ा 8 लाख तक पहुंचा, वैक्सीन आने के बाद भी 2 लाख लोगों की मौत। न्यूयॉर्क की दुकानों और मॉल के अंदर मास्क पहनना हुआ जरूरी, नियम तोड़ने पर $1,000 का लगेगा जुर्माना। रूस का विमान मदद लेकर पहुंचा साउथ अफ्रीका, ओमिक्रॉन वेरिएंट से निपटने के लिए जरूरी उपकरण शामिल। 3 साल से ऊपर के बच्चों के लिए अगले 6 महीने में आएगी वैक्सीन, सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ आदार पूनावाला का बयान। बूस्टर डोज से शरीर में बनती है ज्यादा एंटीबॉडी, पर्याप्त डेटा के आधार पर बोले आदार पूनावाला। भारत में 55% से ज्यादा वयस्क आबादी फुली वैक्सीनेटेड हुई। देश में कोरोना के 5,784 नए केस सामने आए हैं, 571 लोग इसमें कम हुए केस। केरल में 3,377 नए केस रिपोर्ट हुए, 174 लोगों की जान गई। महाराष्ट्र में कोरोना के 684 नए मामले सामने आए, 24 लोगों की जान गई। मुंबई में कोरोना के 225 नए केस मिले, 1 मरीज की मौत। मुंबई में आज से खुले स्कूल, पुणे में 16 दिसंबर से खुलेंगे 1 से 7 तक के स्कूल। बीएमसी ने करण जौहर और उनकी मां का आरटीपीसीआर टेस्ट करवाया, 10 स्टाफ मेंबर्स का भी टेस्ट हुआ। करीना कपूर का पहली बार बयान आया सामने, कहा कि पार्टी में कोई बीमार था, जो खांस रहा था उसे पार्टी में नहीं आना चाहिए। तमिलनाडु में कोरोना के 649 नए केस मिले, 9 मरीजों की जान गई। कर्नाटक में 263 कोरोना के केस में इजाफा हुआ है, 7 मरीजों की जान गई है। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 45 नए केस मिले, 1 भी मरीज की जान नहीं गई। राजस्थान में कोरोना केस में गिरावट, राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री का दावा, कहा कि सरकार के नियमों का हो रहा है पालन। ग्वालियर में कोरोना के 3rd वेव के खतरे को देखते हुए प्रशासन सतर्क, सभी वार्ड्स में खोले गए संजीवनी क्लिनिक। करीब 1.5 साल बाद आज से फिर शुरू होगी दिल्ली काठमांडू बस सेवा, कोरोना की वजह से सस्पेंड थी। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने यूएई के हेल्थ मिनिस्टर से की मुलाकात, दोनों देशों के बीच स्वास्थ्य क्षेत्र में
रिश्तों को मजबूत करने पर चर्चा हुई। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की न्यायिक हिरासत 27 दिसंबर तक बड़ी आर्थर रोड जेल में बंद है देशमुख। अनिल देशमुख के मामले में ईडी ने आईपीएस अधिकारी जी श्रीधर को भेजा समन, 17 दिसंबर को पूछताछ के लिए बुलाया। गुजरात में 3000 किलो हेरोइन जब्त मामले में एनआईए का एक्शन, दिल्ली से एक अफगान नागरिक को गिरफ्तार किया गया। मुंबई के बकोका कोर्ट पहुंचे सोनू सूद, रवि पुजारी से एक्सटॉर्शन के लिए मिली थी धमकी। मुंबई एनसीबी ने 13 करोड़ के ड्रग्स किए जब्त, अफीम और जुल्फीडेम की गोलियां बरामद की। हेलमेट ओवन पाइप में छिपाकर रखी गई थी करोड़ों की ड्रग्स। एनसीबी को इस धंधे में एयर कुरियर कंपनियों के लोगों की भूमिका पर संदेह है। आइवरी कोस्ट का एक शख्स भी गिरफ्तार हुआ है। यूपी के शामली में वांटेड क्रिमिनल थाने में किया सरेंडर, हाथ ऊपर उठाकर कोतवाली पहुंचा। गाजियाबाद के साहिबाबाद थाना क्षेत्र में पुलिस टीम पर हमला, बदमाशों की धरपकड़ के लिए दबिश देने गई थी पुलिस। यूपी एटीएस ने पिछले 3 दिनों में 9 लोगों को गिरफ्तार किया, रोहिंग्या मुसलमानों को बांग्लादेश से भारत लाने का आरोप। ग्रेटर नोएडा में अज्ञात बदमाशों ने किसान की गोली मारकर हत्या की, जांच कर रही है पुलिस। अलीगढ़ शराब कांड की सीबीआई जांच कराने की मांग, लगातार 7 दिन से धरने पर बैठे हैं लोग। ज्वेलरी शोरूम से डायमंड रिंग चुरा रहे शख्स की तस्वीर सामने आई, दिल्ली के कनॉट प्लेस की घटना। सेल्स गर्ल से छिपा कर डायमंड रिंग चुराने की कोशिश की, सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की वारदात। आगरा में वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन के लिए रिश्वत मांगने का वीडियो वायरल हुआ, स्वास्थ्य विभाग ने शुरू की कार्रवाई। राजस्थान के बांसवाड़ा में राज्य के जल संसाधन मंत्री के बेटे के रिसेप्शन पार्टी में खुलेआम हवाई फायरिंग हुई। मेहमानों के साथ घरवालों भी बंदूक के साथ डांस करते नजर आए, वीडियो सामने आया। जबलपुर के पाटन बाईपास के पास गाय के तस्कर गिरफ्तार हुए, ट्रकों में भरकर अवैध तरीके से ले जा रहे। मध्य प्रदेश के जबलपुर में नाबालिग से गैंगरेप, पिता के 2 दोस्तों पर आरोप, पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। जयपुर की एक महिला ने अपने 2 बच्चों को फांसी पर लटकाकर खुद भी जान दे दी, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत की गाड़ी सड़क हादसे की चपेट में आई, स्वास्थ्य मंत्री को मामूली चोट। गुजरात के भावनगर में 3 मंजिला इमारत गिरी, 1 की मौत, 3 लोग जख्मी। जम्मू कश्मीर में राजगढ़ के चुचरेट के पास सड़क हादसा हुआ, 6 लोगों की मौत, 3 घायल। यूपी के बदायूं में पिकअप वैन और ट्रक की टक्कर, हादसे में 2 की मौत, 6 जख्मी। महंगाई के मुद्दे पर दिल्ली में यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध। हंगामे को बढ़ता देख पुलिस ने कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया, बाद में छोड़े गए यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता। केरल के कुन्नूर यूनिवर्सिटी के वीसी इस्तीफे की मांग पर युवा कांग्रेस का प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल। संगरूर में बड़े प्रोजेक्ट का उद्घाटन करने पहुंचे सीएम चरणजीत सिंह चन्नी, बेरोजगार टीचर्स ने विरोध प्रदर्शन किया। पंजाब पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे बेरोजगार टीचर्स को किया गिरफ्तार, पिछले 4 साल से बेरोजगार हैं बीएटीटी के पास टीचर्स। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में कुएं में डूबकर 7 साल के स्कूली बच्चे की मौत, मातम में डूबा परिवार। अयोध्या पहुंचे श्री श्री रविशंकर, कार सेवक पुरम में चंपत राय से मुलाकात। बिहार के गया में अपनी शादी में दुल्हन ने निकाली बारात, घोड़ी पर सवार होकर किया डांस। पेशे से एयर होस्टेस है दुल्हन, ने पहली बार किसी लड़की की निकाली गई बारात, बारातियों ने खूब मस्ती की। अफ्रीका से 5 पेंगुइन अहमदाबाद की एक्वेटिक गैलरी में लाए गए हैं, बड़ी संख्या में लोग देखने के लिए पहुंच रहे हैं। पेंगुइन के साथ सेल्फी लेने के लिए होड़ लगी, दूर दूर से पहुंच रहे हैं लोग। हैदराबाद में क्रिसमस की खरीदारी के लिए बाजारों में अभी से उमड़े लोग, कोरोना प्रोटोकॉल के पालन का की सख्त हिदायत है। गुवाहाटी में क्रिसमस की तैयारी जोनों पर, कारोबारियों को अच्छे बिजनेस की उम्मीद। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में ड्रोन फेयर का आयोजन, ड्रोन से एक जगह से दूसरी जगह ले जाई गई दवाइयां। श्रीनगर में सूफी विरासत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, 2 दिनों तक चले इस आयोजन में कई कलाकारों ने हिस्सा लिया। राज कपूर पर लिखी किताब The Master at Work हुई लॉन्च, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू हुए शामिल। बुक रिलीज के मौके पर कपूर खानदान के सभी सदस्य शामिल हुए, बॉलीवुड में उनके योगदान को याद किया। हिमाचल प्रदेश के कुफरी में हुई बर्फबारी के बाद बड़ी तादाद में पहुंचे सैलानी, स्केटिंग का ले रहे हैं मजा। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में डिफेंस एग्जीबिशन का आयोजन हुआ, बड़ी तादाद में लोग पहुंचे। जम्मू कश्मीर के पुंछ में इंडियन आर्मी की अनूठी पहल, सेना में भर्ती के लिए 2 दिन की ट्रेनिंग कैंप का आयोजन किया। पाकिस्तान उच्चायोग ने 112 हिंदुओं को वीजा जारी किया, पंजाब के चकवाल जिले में श्री कटाश राज मंदिर का दौरा करेगा डेलीगेशन। नेपाल के पीएम शेर बहादुर दोएबा ने नेपाली कांग्रेस अध्यक्ष पद का जीता चुनाव, शशांक कोइराला को हराया। कोलंबिया में एयरपोर्ट के पास विस्फोट, 2 पुलिस वालों की जान गई, आतंकी हमले का शक। कैरेबियन देश हैती में फ्यूल टैंकर में लगी आग, 50 लोगों की जान गई। फ्यूल टैंकर सड़क पर पलटा, बिखरे तेल को लेने सैकड़ों लोग जमा हुए थे, उसी वक्त धमाका हुआ। इटली में इमारत गिरने से 2 लोगों की जान गई, धमाके के बाद ध्वस्त हुई इमारत। हंगरी में सड़क हादसे में 7 शरणार्थियों की जान गई, कार में सवार थे। दक्षिण स्वीडन के बाल्टिक सागर में 2 कार्गो शिप की टक्कर, 1 की मौत, 1 लापता है। 18 साल के लड़के ने रूस के स्कूल पर किया देसी बम से हमला, 12 लोग घायल हुए। उत्तरी कैलिफोर्निया में जोरदार बारिश, चट्टानों के खिसकने और मडस्लाइड्स का बढ़ा खतरा। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में खेल सकते हैं विराट कोहली, बीसीसीआई सूत्रों के मुताबिक विराट से नहीं हुई है इस मुद्दे पर कोई बातचीत। टेस्ट सीरीज से रोहित शर्मा के हटने पर बोले पूर्व कप्तान अजहरुद्दीन, ब्रेक लेना ठीक लेकिन विराट के छुट्टी पर जाने के तरीके से हैरान है।
दक्षिण अफ्रीका दौरे के लिए 16 दिसंबर को रवाना होगी भारतीय टीम। कप्तान विराट कोहली आज करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। विजय हजारे ट्रॉफी में जमकर रन बना रहे महाराष्ट्र के ओपनिंग बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़, 5 पारियों में जड़े 4 शतक। भारत अगले साल मार्च में 3 वनडे मैचों की सीरीज के लिए अफगानिस्तान की करेगा मेजबानी। अफगान बोर्ड ने अपने क्रिकेट शेड्यूल का ऐलान किया। पाकिस्तान ने वेस्टइंडीज को दूसरे टी20 में 9 रन से हराया, 3 मैचों की सीरीज में 2-0 से बढ़त। पाकिस्तान ने 20 ओवर में 8 विकेट पर 172 रन बनाए। वेस्टइंडीज की टीम 20 ओवर में 163 रन पर ऑल आउट। पाकिस्तान की तरफ से शादाब खान ने 12 गेंद पर 28 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली। शादाब खान को शानदार पारी खेलने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। पाकिस्तान की तरफ से शाहीन अफरीदी ने सबसे ज्यादा 3 विकेट चटकाए। नवाज वसीम जूनियर और हारिस रऊफ को 2-2 विकेट मिला। वेस्टइंडीज की तरफ से ब्रैंडन किंग ने 67 और निकोलस पूरन ने 26 रन जोड़े। पुरुष एशियन चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट में भारत और कोरिया के बीच मैच ड्रॉ हुआ। ललित उपाध्याय और हरमनप्रीत सिंह ने दागे गोल। भारतीय शतरंज संघ आईपीएल की तर्ज पर कराएगा चेस लीग का आयोजन। अगले साल जून में 6 टीमें हिस्सा लेंगी। चेस लीग के विजेता को मिलेगी 2 करोड़ की इनामी राशि। हर टीम में होंगे 8 खिलाड़ी। बीडब्ल्यूएफ विश्व चैंपियनशिप में किदांबी श्रीकांत ने चीन के खिलाड़ी को हराया। टूर्नामेंट के अगले राउंड में पहुंचे। बीडब्ल्यूएफ विश्व चैंपियनशिप में पीवी सिंधु का धमाल। स्लोवाकिया की मार्टिना रेपिस्का को महज 24 मिनट में हरा दिया। अमेरिका की मशहूर जिमनास्ट सिमोन बाइल्स को टाइम मैगजीन ने साल 2021 की सर्वश्रेष्ठ एथलीट चुना। इंग्लिश प्रीमियर लीग पर कोरोना की मार, मैनचेस्टर यूनाइटेड का मैच रद्द। पिछले 3 दिन में दूसरा मैच रद्द हुआ। हरभजन सिंह ने सोशल मीडिया पर डाला फनी वीडियो। वीडियो में हरभजन एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी का साझा कर रहे हैं अंतर। इंडोनेशिया में भूकंप के भारी झटकों का वीडियो वायरल हुआ। 7.6 की तीव्रता से हिली धरती। भूकंप से फिलहाल किसी को नुकसान की खबर नहीं, सुनामी आने का खतरा। रायपुर में दूल्हा दुल्हन की एंट्री के वक्त टूटा झूला, दोनों सुरक्षित हैं। गाजियाबाद में दूल्हा दुल्हन स्टेज पर करते नजर आए हर्ष फायरिंग, दूल्हे के खिलाफ केस दर्ज। ग्वालियर के कलेक्टर ने दी कर्मचारियों को धमकी, कहा वैक्सीनेशन में 1 दिन की भी देरी हुई तो फांसी पर टांग दूंगा। बिहार में स्वास्थ्य विभाग की टीम का लोगों को पकड़कर वैक्सीन लगवाने का वीडियो वायरल हुआ। राजस्थान के दौसा में सड़क हादसे में 4 लोगों की जान गई। वायरल वीडियो में कार बस के बीच उछली नजर आई पिकअप वैन। सचिन धर्मेंद्र के बीच मुलाकात। सहवाग को टैग करते हुए सचिन ने लिखा, वीरों की बात ही अलग है। शादी के बाद मुंबई लौटे विक्की और कैटरीना, हाथ में हाथ डाले नजर आए दोनों। अंकिता लोखंडे और विक्की जैन की धूमधाम से शादी हुई। शंखनाद और मंत्रोच्चारण के बीच दोनों ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई। अंकिता लोखंडे के संगीत में वॉरियर क्वीन के लुक में पहुंची कंगना रनौत, बटोरी तालियां।